हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं अपने छत पे काम कर रही थी, बहुत सारा काम किया मैंने आज। आज देखिए, यहाँ पे मैंने छाया बना दी, इस साड़ी का कवर लगा दिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी और बिल्कुल दोपहर की धूप तो बर्दाश्त से बाहर थी। फिर भी मतलब ये सारे समर के ही प्लांट हैं, लेकिन फिर भी से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट थे कुछ, और कुछ मतलब स्ट्रॉबेरी के प्लांट के लिए ही खास करके मैं लगा दिया, क्योंकि अब इनको उठाकर ये कहाँ ले जाऊँगी, बड़े बड़े गमलों में लगे हैं 10-10 इंच के। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं छाया बना देती हूँ और थोड़ा सा इनको भी थोड़ी सी जो दोपहर की धूप है वो कम मिलेगी। इधर मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस भी सारे यहीं पर रखे हैं, तो इनमें तो लगभग काफ़ी ज़्यादा धूप लगेगी। जब बिल्कुल सूर्य भगवान बिल्कुल इधर आ जाएंगे, पीछे साइड आ जाएंगे, मतलब शाम का टाइम होने में 2 बजे के बाद की उधर छाया जाएगी तो मिलेगी, क्योंकि मैंने 2 साड़ियों से मिला करके ये कवर बनाया है। तो लंबाई तो इसकी काफ़ी अच्छी है, पूरा मतलब यहाँ से वहाँ तक कवर हो गया है, लेकिन ये जो चौड़ाई वाला एरिया है वो सिर्फ इतने में ही कवर कर रहा है। और साथ में तो आज मैं अपने जो समर के प्लांट्स तैयार हो चुके हैं उन्हीं को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, कि समर की देखिए ब्लूमिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो मेरी गोल्ड है उनमें सब में कलियाँ बन चुकी हैं, काफ़ी अच्छे ग्रीन ग्रीन सुंदर से फ्लावर भी आने शुरू हो गए, मतलब ग्रीन ग्रीन पत्तियों के साथ, और सभी में कलियाँ बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा हेल्दी हेल्दी से प्लांट ग्रो हुए हैं, और जीनिया में भी सभी में कलियाँ बन चुकी हैं, 2 में तो फ्लावर भी आ गए। देखिए एक पिंक कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल जो बेबी पिंक होता है, देखिए कितना प्यारा सा कलर है, कैमरे में उतना अच्छा दिख नहीं रहा। और एक वाइट निकलने वाला है, बाकी एक ऑरेंज या रेड शायद निकले गई है, इधर अभी पता नहीं कौन से निकलेंगे। उधर हमारे डैंथस भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हिबिस्कस में बहुत सारी कलियाँ ढेर सारी आई हैं, एक एक फूल दो दो फूल ऐसे इकट्ठा बंचेस में फूल नहीं आते हैं अभी, पर कलियाँ ढेर सारी बनी हुई तो फूल आते रहते हैं इनमें। इधर हमारा अलमंडा का प्लांट भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पे आ गया है, बहुत अच्छे से फूल आने लगे हैं। अभी एक पिटूनिया भी उधर बचा हुआ साइड में। जो मेरा मधुकामनी का प्लांट है वो देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा ढेरों कलियाँ इसमें आई हुई हैं, पूरा भरा हुआ है फूल है। मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया ऐसा फूलों के लिए कि खास मैंने कुछ फर्टिलाइज़र दिया हो, तो यही मैंने किया। अभी थोड़ी सी गार्डन की वीड्स बहुत सारी ग्रो की, 2 प्लांट मैंने साल्विया के देखिए ग्रो हुए थे, ग्रो तो बहुत सारे हुए थे, लगभग 10-12 प्लांट ग्रो हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 को ही रिपोर्ट किया है, क्योंकि इनका सीजन है नहीं। फिर भी देखते हैं, चलेंगे कुछ टाइम शायद फिर से फ्लावरिंग इसमें हो जाए। वैसे पुराने फूल अभी मेरे चल रहे हैं, थोड़ी सी डेड हेडिंग करनी है, तो प्लांट अभी लगभग मई तक इसमें फ्लावर आते रहेंगे, तो जब ज़्यादा ख़राब होगा प्लांट तो मैं हटा दूँगी उसको। फिर इधर एक देखिए क्रिसेंथेमम में भी वाइट कलर के फूल आने वाले हैं, ये नहीं खिला था विंटर में इसलिए अभी खिल रहा है, और सारे कोचिया हमारे बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये देखिए जाफरी मैरीगोल्ड है, ये विंटर वाला मैरीगोल्ड है, अपने आप सीड से ग्रो हुआ है, और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल इसमें आए हुए हैं। इधर देखिए कैलेंडुला बहुत सारे ग्रो हुए हैं, लेकिन अब इनका सीजन नहीं है तो इनको रखने का वैसे कोई मतलब नहीं, फिर भी मैंने हटाया नहीं है। हर गमले में ग्रो हुआ है, किसी में डैंथस ग्रो हुआ है, सॉरी किसी में एस्टर ग्रो हुआ है, देखिए इसमें एस्टर का प्लांट भी ग्रो हुआ है, और उधर भी एक एस्टर और एक कैलेंडुला ग्रो हुआ है। तो ये सारे सीड इसी के मतलब फूल जैसे सूखे हुए फूलों को मैं इधर उधर बिखेर देती थी, तो उसी की वजह से डल हो गया है। डहलियम देखिए एक फ्लावर फिर से यहाँ पे खिलने वाला है, उधर येलो डहलिया भी खिल ही रहे हैं। तो आज शाम को पूरे गार्डन की क्लीनिंग भी करूँगी, क्योंकि छाया तो मैंने बना ली है, थोड़ी सी क्लीनिंग करके प्लांट को अच्छे से एक बार सेट करना है। तो शाम का व्यू मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अपने जो समर प्लांट थे, देखिए कॉस्मोस में कितना प्यारा प्यारा कलर आया है, बहुत ही डार्क रेड कलर है, और इधर देखिए पिंक कलर है, ये सिंगल पेटल है और ये डबल पेटल में है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये प्लांट, और सभी में लगभग फ्लावरिंग शुरू होगी। एक जीनिया भी इधर भी खिल गया है, और जितने भी सारे प्लांट जब खिलने लगेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। इसमें देखिए कितनी ढेर सारी कलियाँ आ चुकी हैं, और थोड़ा सा फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड का आप स्प्रे मैरीगोल्ड में करते रहिए, नहीं तो इंसेक्ट का अटैक इसमें हो जाता है अजीब से, मतलब पत्तियाँ करल हो जाती हैं और थोड़ा फंगस लग जाता है, तो उसमें आप बेवेस्टीन या फिर सांप का फंगीसाइड भी कर सकते हैं, और रोगोर या फिर एमेडा क्लोब्रेट का स्प्रे आप कर सकते हैं, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी ही अपडेट मैंने दिखाई आपको, खास मुझे मैंने जो छाया बनाई वो आपको दिखाना था, तो यहाँ से मैं दिखाऊँ अगर तो पुराना एक बेड शीट मैंने लगाई थी, उसको बाद में आज हटा दिया, वो काफ़ी दिन से मैंने उसको छाया भी नहीं बनाई थी। ये देखिए यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक का हो गया है ये, और इतनी तेज़ धूप थी कि मेरी हालत आज ख़राब हो गई इसको लगाने में ही। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन को कवर किया हुआ है, और आप लोग भी अब ग्रीन नेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना ग्रीन नेट के आपके गार्डन से समर के प्लांट भी बिल्कुल मतलब बेजान से हो जाते हैं जब मई जून की तेज़ धूप लगती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।